भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये 4G बेस है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, 4G बेस से जुड़ा था मैं, और पहले भी से यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना शाम को 8 बजे वाले आप। क्या मतलब आपने जो 4G बेस चलाई सर, वो 4G बेस से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया मैं, मतलब पेपर 4G बेस से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ मैथ, मैंने आप ही से पढ़ा है। 4G बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। 4G बैच जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। SSC GD 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले 4G बैच के साथ SSC मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी 4G बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी, अब पाइए SSC GD 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच 4G बैच मात्र 399 रुपए में। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें SSC मेकर का 4G बैच और करें SSC GD में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और SSC मेकर ऐप डाउनलोड करें। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सुनील चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट या करंट अफेयर्स का सेट नंबर 3 जो आपके दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14 नवंबर से आपका एग्ज़ाम है ना, तो उसके लिए काफ़ी यूजफुल क्लास होने वाला है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण जो योजनाएँ हैं भारत सरकार की, कब कब योजनाएं, कौन कौन से राज्यों ने ये योजनाएं लागू की या कौन सा मंत्रालय है जिसने योजनाएं लागू की। साथ ही एक छोटा सा टॉपिक है फेमस पर्सनैलिटी, यानी कि जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं हमारे देश के हों चाहे फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, जिन्होंने एक विशेष ख्याति प्राप्त की है या कुछ अच्छा किया है ना, तो ऐसे लोगों के बारे में हम चर्चा यहाँ पर आज के टॉपिक में करने वाले हैं। और विभिन्न हमारे जो योजनाएं हैं चाहे वो फिर राज्य सरकार के किसी राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई हो या फिर हमारे केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई हो या हमारे किसी मंत्रालय के द्वारा उस योजना को चलाया गया हो, तो ऐसे टॉपिक्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जो आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है दिल्ली पुलिस का। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों का जो एग्ज़ाम है, जो भी आप बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए जो देने वाले हैं, आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, आपका सिलेक्शन हो, हम यही चाहते हैं है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं किस प्रकार की योजनाएं राज्य हो सकता है, मंत्रालय हो सकता है ना, संस्थान हो सकता है, किसके द्वारा ये योजनाएँ चलाई गई हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे देखेंगे। चलिए, पहला है आपका ग्रह ज्योति योजना। ग्रह ज्योति योजना 2023 ये किसके द्वारा चलाई गई, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस बनेगा ये आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक सरकार के द्वारा इसको चलाया गया है। यहाँ पर जो बिजली है, पावर है, उसमें कुछ यूनिट फ्री करने की घोषणा यहाँ पर की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक सरकार द्वारा एक अभी हृदय ज्योति योजना भी चलाई गई थी है ना, हृदय ज्योति योजना, जो कि पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना इसको कहा जाता है, पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना इसको पूरे नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ग्रह ज्योति योजना किसके द्वारा चलाई गई, कर्नाटक सरकार के द्वारा इसको चलाया गया। पॉलिटेक्निक चलो अभियान, पॉलिटेक्निक चलो अभियान को एक तरीका से बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पॉलिटेक्निक जो स्कूल्स हैं इनको एक तरीका से इनका पुनरुद्धार करना, क्योंकि जो स्किल्ड प्रोग्राम होते हैं उनके लिए हमें संस्थान की आवश्यकता होती है और हमारे पास संस्थान है लेकिन लोगों के बारे में या लोगों को इनके बारे में जागरूकता कम है, इन पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ना, बच्चे यहाँ पर जाने से कतराते हैं। तो एक तरीका से एक बच्चे जो होते हैं स्किल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने के लिए इन पॉलिटेक्निक का सहारा लिया जाएगा और बच्चों को स्किल किया जाएगा है ना। तो ये प्रोग्राम चलाया गया यूपी सरकार के द्वारा, किसके, यूपी सरकार के द्वारा।
नंद बाबा दुग्ध योजना मिशन या मिशन योजना ये किसकी है, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही सो चलाया गया है, टिक कर लेना। नेक्स्ट जो योजना है नमो सहकारी महासम्मान योजना, ये किसके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसके द्वारा नमो सहकारी महासम्मान योजना, ये किसानों को सम्मान देने के लिए ये योजना चलाई गई, जैसे प्रधानमंत्री कल्याण किसान कल्याण योजना चलाई गई थी किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए, ऐसे आर्थिक रूप से उनको सहायता देने के लिए। इसी प्रकार से नमो सहकारी योजना जो चलाई गई ये भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही चलाई गई है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार भी इसी तर्ज पर एक योजना लेकर आई है जिससे अपने यहाँ के किसानों को कुछ आर्थिक रूप से मदद की जा सके, है ना। तो ये किसके द्वारा है, ये भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही है। समर्थ अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय, है ना, ग्रामीण विकास मंत्रालय जिसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह, ध्यान रखिएगा, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट है पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम, बाल विकास या महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ आपको पोषण भी आपको सुधारना है। आपने देखा होगा मिड डे मील योजना आपने सुना होगा, उसी प्रकार से हमारे जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसने कहा है कि पोषण के स्तर पर भी हमें फोकस करना है, यानी कि जो बच्चों को मिड डे मील खिलाया जाता है उसमें पोषक तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। ये जिम्मेदारी है हमारी राज्य सरकारों की और ख़ासकर ग्राम प्रधान जो हैं उनकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्टार्ट कार्यक्रम इसरो के द्वारा चलाया गया, किसके, इसरो यानी कि हमारा जो इंडियन रिसर्च या आप कह सकते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, एस सोमनाथन इसके अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना, ठीक है, चलिएगा। शासन आपल्य दरी पहल किसके द्वारा है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको चलाया गया है। एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना केरल सरकार के द्वारा, खेल को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए केरल सरकार के द्वारा इसको चलाया गया। एक पंचायत एक खेल मैदान, यानी कि एक पंचायत में एक खेल का मैदान होना अनिवार्य है, अगर सरकारी भूमि वहाँ पर है और सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है तो उसको निकाला जाएगा और वहाँ पर खेलने के लिए क्या किया जाएगा, स्टेडियम स्थापित किया जाएगा या आप कह सकते हैं एक तरीका से खेल का मैदान वहाँ पर बनाया जाएगा। संगठन से समृद्धि अभियान किसका है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लागू किया गया। संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया, किसके, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको चलाया गया, स्कूल चलो अभियान, ठीक है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार जो है ये हमारे जो वृक्ष हैं, है ना, इनकी वृक्षों को कहा कि हमारा ये कल्चर है, हमारा संपदा है, हमारी संपत्ति है, तो इनको हमें बचाना है, है ना, तो इसके लिए लेके आए हैं वृक्ष संपदा योजना। लाडली बहना योजना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टिक कर लेना, क्योंकि इसको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो अनमैरिड और मैरिड महिलाएं हैं, मैरिड और मैरिड लड़कियां हैं या महिलाएं हैं उनके लिए इसको लाया गया है। तो लाडली बहना योजना 2.0 भी लाया गया, और 2.0 के अलावा लाडली बहना योजना से पहले भी इसको लाया गया था, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लाया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है, चलिएगा भाई। दीदी सुरक्षा कवच अभियान, तो ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा इसको लाया गया है भाई, चलिए। अरुणोदय 2.0 योजना या बाजरा मिशन, ये किसके द्वारा, ये असम सरकार के द्वारा किसके द्वारा लाया गया, इसको असम सरकार के द्वारा लाया गया है, ध्यान रखेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। सेवा आपके द्वार 2.0 अरुणाचल प्रदेश, है ना, सेवा आपके द्वार। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे विभिन्न राज्यों के द्वारा डोर स्टेप योजना देने के लिए, डोर स्टेप सेवाएं देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। डोर स्टेप का मतलब होता है जैसे कुछ राज्यों ने वृद्ध पेंशन को उन लोगों तक घर पर पहुंचाना जो चलने में सक्षम नहीं है, ऐसी योजनाएं चलाई हैं। कुछ राज्य ऐसी योजना लेकर आए हैं जो भी सरकारी दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनको घर पर ही बनाने के लिए, जैसे आप किसी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, मूल निवास बनवाना चाहते हैं, आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, या किसी व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, बिजली बिल हो गया,
है ना। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं ये देने के लिए डोर स्टेप सुविधा को, डोर स्टेप योजनाओं को विभिन्न सरकार के द्वारा लागू किया गया है। तो उसी क्रम में आपका ये सेवा आपके द्वार 2.0 योजना इसकी है, अरुणाचल प्रदेश सरकार की है। अमृत भारत मिशन जो है, अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय के द्वारा, यानी कि जो हमारा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है इसको डेवलप करना, साथ ही साथ हमारे जो स्टेशंस हैं इनको आधुनिक बनाना, मॉडर्न बनाना, मॉडर्नाइजेशन इनका करना। जैसे अगर आप स्टेशंस पर जाते हैं तो आपको रहने के लिए, खाने के लिए, बैठने के लिए स्वच्छ पानी, स्वच्छता, वाईफाई है ना, और अगर आपकी ट्रेन लेट हो जाती है, इस तरह की सुविधाएं, तमाम सुविधाएं देने के लिए ये भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना को लागू करने का प्रावधान रेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो यानी कि इनको मॉडर्न करना है, आधुनिक बनाना है। चलिए, डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान किसके द्वारा चलाया गया, ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। अब ये डिजिटल शक्ति महिला आयोग मिशन है क्या, इसमें जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं साक्षर हैं, थोड़ा बहुत जानती हैं, तो उनको डिजिटल रूप से सक्षम बनाना, या उनको महिलाओं को डिजिटल बनाना, डिजिटल साक्षरता के गुर उनको सिखाने, है ना। उसके लिए महिला आयोग के द्वारा विभिन्न कंपनियां हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टा हो गया, इनसे टाइप भी किया गया है कि आप हमारी महिलाओं को सिखाइएगा कि गूगल पे का यूज़ कैसे किया जाता है, इंस्टाग्राम का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, अगर वो कोई बिजनेस करना चाहती हैं तो अपना प्रचार करने के लिए वो किस माध्यम का यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक से टाइप किया गया। तो ये सभी चीज़ें आती हैं इसमें, जो कि डिजिटल शक्ति अभियान है। तो ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है। अगर इसके उद्देश्य की हम बात करते हैं, जो महिलाएं होती हैं, वुमेंस होती हैं, वुमेंस एम्पावरमेंट है, एम्पावरमेंट, ठीक है, वुमेंस एम्पावरमेंट ये करेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि एक जिले में, ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपने देखा होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP वाला सिस्टम आपने देखा होगा, उसी प्रकार से एक जिला और एक स्पोर्ट योजना को लागू किया गया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आसरा पेंशन योजना या कांटी तेलुगु योजना इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कांटी तेलुगु योजना इसको कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना सरकार, सही आंसर हो जाएगा। हर घर गंगा जल योजना बिहार सरकार के द्वारा। अब ये गंगा जल योजना है क्या, इसको समझ लीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि गंगा नदी जहाँ से बह रही है वहाँ से वो पानी भरकर घर घर गंगा जल पहुँचाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गंगा जल का मतलब ये हुआ कि जहाँ से गंगा जा रही है तो गंगा के पानी का हम पेयजल के रूप में उपयोग कर सकें, उन इलाकों तक उस पानी को पहुँचा सकें जहाँ पर पानी का अभाव है या पानी पेय योग्य नहीं है, ऐसे जगहों पर बिहार में हमें उस गंगा के पानी को ले जाना है। इसी को हर घर गंगा जल योजना कहा है। आप इसको मत समझ लेना कि गंगा का पानी हमें लाना है या सरकार गंगा जल को घर घर पहुँचाएगी, अपने घर की शुद्धि कराएगी, इसके लिए नहीं है। ये है जहाँ पर पानी की पहुँच नहीं है, पानी की आपूर्ति को, सप्लाई को सुनिश्चित नहीं किया जा सका, ऐसी जगहों पर, और गंगा वहाँ से जा रही है, यानी कि हमारे पास सोर्सेज हैं, संसाधन हैं, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीज़न हमारी कमी हो सकता है, हमारे पास तकनीकी चीज़ें उपलब्ध ना होना, सरकार की इच्छा शक्ति ना होना। तो ये सारी तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए ये योजना लाई गई है भाई, बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिएगा, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको लाया गया। फुटबॉल फॉर ऑल पहल ये किसने की है, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। जिबहाला विशेष रसा योजना ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको लाया गया। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। नेथना बीमा योजना इम्पोर्टेंट है, टिक कर लेना, पूछा जाता है, ऐसे ही आपको शब्द वहाँ पर देखने को मिलते हैं, नथना बीमा योजना, इस तरह के वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका देख लेना, तेलंगाना सही हो जाएगा। नशा मुक्ति भारत अभियान, यानी कि भारत को नशा मुक्त करने के लिए जो अभियान चलाया गया, ये सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया गया है।
स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा, इम्पोर्टेंट है, टिक कर लेना है ना, इसको आप टिक करेंगे, इम्पोर्टेंट। ऑपरेशन मुक्ति अभियान किसके द्वारा चलाया गया, उत्तराखंड सरकार के द्वारा, किसके, उत्तराखंड सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, स्माइल 75 पहल ये किसके द्वारा शुरू की गई, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, यानी कि यहाँ पर जो ये योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार की गारंटी देने वाली योजना, यानी कि जो लोग शहर में निवास कर रहे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसे लोगों को कम से कम 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को लागू किया गया अशोक गहलोत सरकार के द्वारा। है ना, चलिए नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भिक्षावर्ती निवारण योजना, यानी कि जो हमारे पूरा की ओर बहुत
सीजन में क्या आप कम हो जाएगा, लेकिन जब पॉल्यूशन को बनाए रखने के लिए में के कारण जो आपकी बीमारियां या अन्य स्वस्थ लोगों को भी दिल्ली के तीन क्षेत्रों में दूसरा गांधीपुर पूरे ठीक है पूरे और इस पूरे के ढेर से ये इस पर की सबसे अधिक तो इसमें वाश सच्चाई बता देते हैं ये तो सिर्फ वातावरण
कि